हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? प्रॉब्ली फाइन। होप आप सब अच्छे होंगे। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। तो आज वैलेंटाइंस डे के स्पेशल डे पे आज हम लोग कुछ स्पेशल बनाने वाले हैं। हम लोग बना रहे हैं मेरा फेवरेट केक। आज हम लोग बनाने वाले हैं वैलेंटाइन डे स्पेशल केक, एगलेस केक बनाने वाले। और अभी तक जिसने भी मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले आप जल्दी से लाइक करें, और लाइक करने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। एंड गाइस, इफ यू आर प्रॉब्ली न्यू एंड इफ यू डोंट नो हु व्लॉग्स दी डेज, इट्स नॉट माय मॉम, इट्स मी। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, एगलेस केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली हूँ हाफ कप दही। मेजर एकदम परफेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल भी मेजरमेंट में कुछ कमी नहीं होनी चाहिए। और ये मैंने लिए हाफ कप शुगर, हाफ कप ऑयल, आप बटर भी ले सकते हो। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इतना मिक्स कर लेना है कि जो शुगर इसमें हम लोग ने ऐड की है वो डिसॉल्व हो जानी चाहिए, घुल जानी चाहिए। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून वनीला एसेंस, अब इन सबको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। अब मैं एक स्ट्रेनर में, छन्नी में, इसमें मैं ऐड करूँगी 1 कप + 1/3 कप मैंने इसमें ऑल पर्पस फ्लोर ली हूँ, मैदा ली हूँ। तो 1 कप है और 1/3 कप है, जो मेजरमेंट्स के कप होते हैं ना उस पर लिखा रहता है 1 कप और 1/3 कप। और यहाँ पर मैंने बेकिंग पाउडर ली हूँ 1 टीस्पून, और ये मैंने 1/2 टीस्पून ली हूँ बेकिंग सोडा। तो 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा है। अब इसको अच्छे से छान लेना है और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी 1/2 कप मिल्क। तो आप मेजरमेंट्स बराबर लेना तो केक अच्छा और सॉफ्ट बनेगा। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये आप देख सकते हो जो बैटर है अच्छे से मिक्स हो गया है। इतनी थिकनेस रहनी चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। अब एक मोल्ड में मैंने नीचे बटर पेपर लगाई हूँ ऑयल लगाकर। अब इसके ऊपर वापस से थोड़ा सा ऑयल लगा दूंगी मैं, और ओवन को मैंने ऑलरेडी प्री हीट करने रख दी हूँ। अब बटर पेपर पे भी मैं थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ। अब इसमें ऐड करेंगे बैटर। तो मेजरमेंट्स का आप बराबर ध्यान रखना, बिल्कुल भी मेजरमेंट ऊपर नीचे होता है तो फिर केक जो है वो हार्ड हो जाता है, या तो ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाता है, मीन्स एकदम बराबर नहीं बनता है। तो मैंने यहाँ पर जो मैदा ली हूँ वो मैंने 1 कप + 1/3 कप मोल्ड में बैटर डालने के बाद इसको इस तरीके से सेट कर देना है। तो ये मेरा केक रेडी हो गया है। इसको मैंने 180 डिग्री पे प्रीहीट पहले करने ओवन मैंने रख दी थी 180 डिग्री पे। तो आफ्टर 20-25 मिनट्स ये मेरा केक रेडी है। तो सबके ओवन का अलग अलग टाइमिंग होता है, तो आप उसके हिसाब से आप कर सकते हो। और ये आप देख सकते हो एकदम परफेक्टली बेक्ड हुआ है मेरा जो केक है। तो ये देखो कितना ब्यूटीफुली बना है ये केक। अब इसको 2 पीस में कट कर लेना है। मुझे बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि आप एगलेस केक की रेसिपी बताओ, तो इसलिए मैंने दिस टाइम मैंने एगलेस केक बनाई हूँ।
तो ये भी बहुत परफेक्टली बेक्ड हुआ है। तो इसको दो पीस में कट करना है, तो एक पीस मैं साइड में रख लूँगी और एक पीस के ऊपर मैं इसमें अब लगाने वाली हूँ ऑरेंज जूस। तो अगर आप ऑरेंज जूस नहीं है आपके पास, तो आप शुगर का सिरप भी लगा सकते हो। इससे ये होता है कि केक एकदम सॉफ्ट हो जाता है। आपने मेरे लास्ट वीडियो में भी देखा होगा जो मैंने एग वाला बनाई थी फ्रूट केक, तो उसमें भी मैंने ऑरेंज जूस डाली थी। इससे क्या है, ऑरेंज जूस से ना थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आता है, फ्लेवर आ जाता है और केक भी बहुत सॉफ्ट हो जाता है। और अगर आपके पास ऑरेंज जूस नहीं है तो आप शुगर सिरप इसमें ऐड कर सकते हो। और दोनों स्लाइस पे लगाना है, जो मैंने दोनों पीस अलग अलग कट करे हैं तो दोनों पीस पे लगा लेना है जो जूस है। तो मैंने यहाँ पर ली हूँ अलमराई की विप क्रीम। तो विप क्रीम आप जब भी लो उसको पहले फ्रीज़र में अच्छी तरीके से ठंडी कर लेना है। और यहाँ पर मैंने 1.5 कप विप क्रीम ली हूँ। विप क्रीम आप अपने हिसाब से ले सकते हो, जितनी आपको चाहिए है डेकोरेशन के लिए उसके हिसाब से आप ले सकते हो। तो ये जो विप क्रीम है मेरी विदाउट शुगर वाली है, और शुगर वाली भी आती है, तो अगर आप शुगर वाली लेते हो तो उसमें शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पर मेरी विदाउट शुगर वाली है तो इसमें मैं ऐड करूँगी 1/2 कप शुगर। और फ्लेवर के लिए मैं इसमें ऐड करूँगी वनीला एसेंस। और इसको अच्छे से बीटर से बीट कर लेना है, या तो आप ब्लेंडर से भी कर सकते हो। और इसको अच्छा सा फ्लफ़ी सा होने तक टेक्सचर इसको बीट कर लेना है। तो मेरे पास बीटर तो नहीं है, मैं इससे कर रही हूँ। आप इसे हाथ से भी कर सकते हो, बट हाथ से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। सो गाइज, ये मेरी विप क्रीम तैयार हो गई है, जैसे कि आप देख सकते हो इसका जो टेक्सचर है। तो इसमें से जो हाफ है वो मैं निकाल लूँगी, हाफ इसमें से मैं निकाल लूँगी केक के अंदर डालने के लिए, ज़्यादा नहीं। अब बाकी के इसमें मैं थोड़ा सा कलर डाल, मैं ऐड करूँगी जेल कलर रेड, जैसे कि आज वैलेंटाइन डे है तो मैं रेड कलर का केक बनाने वाली हूँ। हाँ, इसमें मैं डालने वाली हूँ रेड जेल कलर, और इसको वापस से मैं बिटर से मिक्स कर लूंगी ताकि इसमें अच्छा सा रेड कलर आ जाए। थोड़ा कम आया है तो ये तो पिंक हो गया, तो मैं थोड़ा इसमें और रेड कलर ऐड करूंगी ताकि अच्छा रेड कलर आए। तो इसमें अच्छा सा रेड कलर आ गया है। अब मैं इसको पाइपिंग बैग में ऐड कर दूंगी। आपको जो कलर का केक बनाना है आप बना सकते हो, जो कलर इसमें ऐड करना है वो ऐड कर सकते हो। मुझे आज वैलेंटाइन स्पेशल केक बनाना था इसलिए मैंने रेड, जितना रेड मुझे चाहिए था वैसा रेड तो नहीं आया है, बट फिर भी ठीक है। अभी मैं इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूंगी। तो अभी ये केक में मैं अंदर पहले लगाऊंगी वाइट वाली क्रीम, इसमें पहले मैं लगाने वाली हूँ वाइट वाली विप क्रीम। एंड गाइस, यू कैन मेक द केक एनी शेप यू वांट। यस, टुडे इज वैलेंटाइन डे सो वी मेड अ हार्ट। अब ये मैंने एक लेयर पे लगा दी हूँ व्हिपिंग क्रीम, अब मैं दूसरे पे लगाऊंगी। इसके पहले मैं इसको अच्छे से सेट कर लूंगी और इसके भी मैं लगा दूंगी व्हिप क्रीम। सो व्हिप क्रीम, आपको जितने लेयर का केक बनाना है आप बना सकते हो। और मेरे पास ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं है तो मैं ऐसे ही बना रही हूँ, और गाइस घर में चीजें है उसी से। और गाइस, हम लोग का केक छोटा है इसलिए हम लोग बहुत सारे लेयर बना नहीं पाए। एंड गाइस, हियर इज माय मॉम। हेलो गाइस, लुक गाइस,
अब इसी पे मैं लगाऊंगी पिंक थोड़ा सा। आप बोल रहे हो कि मैं पता नहीं क्या करूँ, पिंक फिर वाइट पता नहीं क्या। सो गाइस, ये मेरा जो केक का बेस है वो रेडी हो गया है। डेकोरेशन में जानती हूँ इतना अच्छा नहीं गाइस, और ये मैं बना रही हूँ फ्लावर। एंड गाइस कमेंट और बोलो माय मॉम इज अ गुड शेफ आर्टिस्ट, विद दैट लुक्स अमेजिंग। होप यू लाइक दिस। और फाइनली केक कटिंग हो रहा है और मिस्टर फारूक अंसारी केक का मज़ा ले रहे हैं बिग बॉस देखते देखते हैं, और अजलान ने भी इंजॉय कर रहा है केक। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी केक की रेसिपी अच्छी लगी, मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ।